अगर आपसे पूछा जाए कि एक ऐसी फिल्म का नाम बताओ जो आपके हिसाब से अब तक की मोस्ट हॉरर फिल्म है, तो आप कौन सी फिल्म का नाम लोगे? शैतान, 1920, वीमान, बस इतना ही। लेकिन एंट्रोम द डेडलीस्ट फिल्म एवर मेड एक ऐसी फिल्म है जो दुनिया में बनी अब तक सभी हॉरर फिल्मों का बाप है। इस फिल्म ने असल जिंदगी में भी कई जाने ले ली है। मजाक नहीं, बिल्कुल सच है बॉस। ये फिल्म बनी थी 1970 में, जिसे रिलीज होने में ही करीब 50 साल लग गए। रिलीज भी हुई तो सिर्फ जापान में। रिलीजिंग से पहले इसका पहला शो हुआ था 1988 जर्मनी में, और इंटरवल के बाद ही पूरे थिएटर में आग लग गई थी, जिसमें 56 लोग मारे गए। फिर 5 साल बाद दोबारा हिम्मत करके इस फिल्म को दिखाने की कोशिश की गई। इस बार सिर्फ थिएटर ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी बिल्डिंग ही गिर गई, जिसमें 30 लोग मर गए, और ये गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। फिल्म की कहानी दो भाई बहनों की है, जो अपने मरे हुए कुत्ते की आत्मा को वापस लाने के लिए नर्क का रास्ता ढूंढते हैं और जंगल में ही गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। जापान में भी जब ये फिल्म रिलीज की गई थी, तभी लोगों को हिदायत दे दी गई थी कि उनके जीवन की ये आखिरी फिल्म भी हो सकती है। फिल्म को देखने वालों से जब रिव्यू मांगा गया, तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली कि हमने कुछ ऐसा देख लिया जो शायद हमें नहीं देखना चाहिए था। क्या आपने एंट्रोम फिल्म देखी है? मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं।